यात्री को सुविधा चाहिए तो उसमें कमीशन मिलता है क्या देगा? अपने पेट परिवार अपने चलाने के लिए पूरी मेहनत वो भी छीना जा रहा है। हमारी मांगे हैं यहाँ पे यात्री सुविधा केंद्र एक प्राइवेट कंपनी को ठेका देके यात्री का लगेज ढोने का काम करवाने का काम दे दिए गए हैं, जिससे हमारे कुली साहब बिल्कुल बेरोजगार होने के कगार पे आ गए हैं। उससे पहले इन्होंने बैटरी कार सुविधा प्राइवेटाइजेशन के थ्रू एक बैटरी कार चलाई गई, दो बैटरी कार चलाई जा रही, जिसके संबंध में हमने काफ़ी लेटर दे चुके हैं डीआरएम साहब को, कोई सुनवाई नहीं हुई थी। अभी हमने 4-5 दिन पहले भी एक लेटर दिया था इनको कि यात्री सुविधा केंद्र 1 तारीख से चालू हो जाएगा, उसको बंद करवाने के लिए हम लोग एक रैली एकत्रित करके धरना दिए हैं। अगर हम लोग 15 दिन का समय सर ने हमने दिया है, अगर ये काम नहीं करते हैं तो हम लोग घेरा फिर से यहाँ डीआरएम ऑफिस में करेंगे ऐसा ही, और उग्र प्रदर्शन करेंगे। अगर गाड़ियाँ लगेज रखने का कार्य करती रहेंगी तो हम लोग उसको तोड़ने का फेंकने का जलाने का भी काम करेंगे। हमारे पेट को काटने का काम किया जा रहा है, जिससे पूरे भारतवर्ष में 20,000 कुली बेरोजगार से लोग आए हैं प्रदर्शन। अलीगढ़, कानपुर, इटावा, आगरा सब एकत्र हो गए यहाँ पे डीआरएम साहब को घेराव करने के। हम लोग आया ज्ञापन हम लोगों ने दे दिया डीआरएम साहब को, डीआरएम साहब ने हमें टाइम दिया है कि आपको 15 दिन का समय हम दे रहे हैं, उसमें आश्वासन दिया गया कि हमको ये रेलवे सुविधा केंद्र रद्द कराएंगे। जो यात्री सुविधा केंद्र बनाया गया है कि इसमें हम ट्रॉलियाँ और